तो बेटे जी हम सपोज कर लेते हैं कि ए की टू प्लस बी की टू जो है वो टी टू के बराबर है। सर आ जाओ। ओए होए 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 नवाब साहब आ गए भाई। अबे एक तो तू इतनी देर से आया है, ऊपर से पूछ देखो कैसा है। सर आ जाओ, क्यों आए इतनी देर से? ये सब पागल है जो सुबह सुबह के आए बैठे। सर आप मना कर दें मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा जी, एटीट्यूड देखो। सर आप मना कर दें मैं चला जाता हूँ। अबे एहसान कर रहा है यहाँ के, किसने तमीज नहीं इसका, बात किस तरह से करते हैं। जेब से हाथ बाहर निकाल, सीधा खड़ा हो। मैं सुबह सुबह मोड ऑफ कर दिया, पेपर में भी नहीं बैठे दूंगा तुझे मैं। दफा हो, नजर ना आइयो। वो आज भी नहीं आया? यस सर। क्या नाम है उस लड़के का? सर अली। अली नाम है, नहीं आया ना वो? नो सर, सर उसकी तबीयत खराब है। हाँ हाँ आने दो, जरा इसको करता हूँ इसकी तबीयत साफ में। ये जो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं इनके नाम नोट करते जाओ, इनको क्लास में नहीं घुसने देना, मजाक बना रखा है। अच्छा मैंने होमवर्क दिया था। यस सर। यस सर। ये बताओ कौन नहीं करके आया? क्यों नहीं करके आया? वो सर शादी में गया हुआ था। ओए होए होए जनाब, शादी में गए हुए थे? नहीं तेरा जाना जरूरी था क्या? सर फूफो की बेटी की शादी थी। मैंने पूछा है किसकी शादी थी? मैंने पूछा था कि तेरा जाना जरूरी था कि नहीं, बस जबान चलानी आती है। नोट्स बनाई तूने? यस सर बनाए हुए हैं पर कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? इधर आ जा। शाबाश, जब मैंने कह रखा है कि मैं किसी भी वक्त नोट्स चेक कर सकता हूँ तो क्यों कंप्लीट नहीं किया? हाथ कर। सॉरी सर। मैंने कहा हाथ कर। अय्य अल्लाह। हाथ कर। सर इसी पे मार लो। जब तक नोट्स कंप्लीट ना हो जाना क्लास में ना आइयो। ये जिन जिन को लगता है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते, जो ये देखना रोएंगे, ये पछताएंगे, याद आएंगे इनको मेरी बातें। इसलिए कहता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो मनहूसो, किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, आई समझ? और मैं कह रहा हूँ आई समझ? यस सर। अब बोला करो मनहूसो, घूम के बन के बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का, मुंह उठा के आते हो चले जाते हो। तो मुझे कौन बताएगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी नहीं। ओ, अभी अभी मैंने समझाया कि कम से कम बोला तो करो, चाहे गलती बता दो मैं करेक्शन कर दूंगा। हाँ देखो ये बताएगा एंगल्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। लो बताओ। अब इसको लगता है कि इसको सब कुछ पता है, हालांकि इसको कुछ भी नहीं पता, अंदर से खाली है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। बस इसको जबान चलानी आती है, हवा में तीर चलाने आते हैं, जवाब देना आता है बस। एक्सक्यूज मी सर। इनफ इज इनफ। व्हाट इज दिस? वो सर कल पेंट धोई थी ना तो सूखी नहीं, वो कल धूप ही नहीं निकली थी। बोल क्या रहे थे तुम? ओ हाँ एक मिनट सर, करेक्टर मारे थे। आपको लगता है आप टीचर हैं, पर आपको मालूम भी है टीचर कहते किसे? टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को समझे, उसकी शख्सियत को निखारे, उसको कमतर ना समझे और उससे उतनी ही शफकत करे जितनी वो उससे इज्जत चाहता है। पर आपने तो कभी शफकत करना सीखा ही नहीं। आपको तो लगता है ना कि आप ही सब कुछ हैं। आपने कभी अपनी शख्सियत पर ही तवज्जो नहीं दी, आप दूसरों की शख्सियत क्या निखार लेंगे? आपने कभी सोचा भी है कि स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किलें फेस करते हैं? और जिन फीसों के बलबूते पर आपके घर और ये इदारे चल रहे हैं, कभी सोचा भी है कि वो फीस इनके वालिदैन किस तरह अरेंज करते होंगे? आपके तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही रह गया है ना कि कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे और चार लोग इज्जत कर लेंगे। स्टूडेंट को इज्जत देने का तो ख्याल आपके जहन में कभी आया नहीं होगा। आप तो स्टूडेंट्स की इंसल्ट करने का बहाना ढूंढते हैं ना। मजा आता होगा ना आपको पूरी क्लास के सामने किसी को बेइज्जत करके। रुको रुको रुको, तुम मेरे ऑफिस में आके बात करो। यही है आपका सर, अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस इज्जत नफ्स का एहसास आपके अंदर है ना, बिल्कुल वही स्टूडेंट्स के अंदर भी। अगर इज्जत लेना चाहते हो ना तो देना भी सीखो। ओ हेलो, घर वालों ने तमीज सिखा के नहीं भेजा? व्हाट? तमीज़ और अखलाक सीखने तो हम यहाँ आते हैं, पर सिखाने वाले तो खुद ही नहीं चीज़ों से नवाकी थे। रुको जरा काल आइए। इतना सॉफ्ट हो गई है, इस पे ना जरा बाल को स्पिन करवाने की कोशिश करो, ये आउट हो जाएगा। हाँ यार ठीक है।
पता है यार पता है, आधा किलो आलू आधा किलो भिंडी ठीक है ना। हाँ हाँ याद है, बस क्लास के दौरान कालना क्या करो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ओके। हाँ तुम कहाँ थे? यहीं थे। अब मेरा मतलब क्या बोल रहे थे तुम? ओ अच्छा अच्छा एक मिनट करेक्टर मारे में उस्ताद को चाहिए। ओ सॉरी ये करेक्टर नहीं था। उस्ताद को चाहिए कि वो स्टूडेंट की मजबूरियों को समझे, लेकिन लेकिन असल में होता क्या है, अगर कोई स्टूडेंट लेट आ जाए या छुट्टी करे तो उसकी बड़ी से बड़ी मजबूरी को भी लेम एक्सक्यूज करार देकर उसे पनिश किया जाता है। वैसे सर अगर कोई स्टूडेंट लेट आ भी जाए तो आप कौन सा क्लास में मईत कर आसपास कर रहे होते हैं जो वो सुनने से कासिर रह जाता है? आप ही तो क्लास में टी टू शूटिंग पढ़ा रहे होते हैं ना, और ये तो रियल लाइफ में काम भी नहीं आने वाले। नाम क्या है तुम्हारा? आपको अपने स्टूडेंट्स का नाम तक नहीं मालूम? आपको लगता है कि आप इनसे जुड़कर इनकी तरबियत करेंगे? सर कभी इन स्टूडेंट्स के अंदर झांकने की कोशिश तो करें, आपको पता लगेगा कि इनमें क्या क्या खूबियां छुपी हुई हैं। मम्मा पास जाना है। उमर भाई एक काम करो, जल्दी से ना मोरल बता दो और बात खत्म करो। गेव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। Really care about us.